मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर तैयार किए गए फुटओवर ब्रिज का शुभारंभ कर दिया गया। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए फुटओवर ब्रिज को काफी मेहनत और रुचि लेकर तैयार किया गया। मंगलवार को यात्रियों के लिए ये ओवरब्रिज शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नवनिर्मित ऊपरीगामी पुल फुटओवर ब्रिज का सांसद डॉक्टर एसटी हसन, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक मुरादाबाद नगर रितेश गुप्ता एवं महापौर मुरादाबाद विनोद अग्रवाल ने फीता काट कर लोकार्पण किया। शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन, अपर मंडल रेल प्रबंधक समन्वय निर्भय नारायण सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग सुधीर सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेड चेतन तनेजा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सुधीर कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय पारितोष गौतम, वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता कैरेज एवं वैगन समर्थ सिंह, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक अमित शर्मा तथा मंडल के अनेक वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे। मुरादाबाद स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण ये ऊपरीगामी पुल आज से रेल यात्रियों की सेवा हेतु शुरू हो चुका है। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि ऊपरीगामी पुल के शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी और यदि यहां लिफ्ट की सुविधा शुरू होती है तो बुजुर्ग तथा दिव्यांगजनों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने में आसानी होगी। सिटी चैनल से बात करते हुए सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने रेलवे प्रशासन से अपील की कि जो कमियां हैं उनका सुधार कर लिया जाए, साथ ही दिव्यांग और मरीजों का भी ख्याल रखा जाए। देखिए, ये प्लेटफॉर्म का फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे बहुत कमी थी। पुराना ब्रिज खराब हो गया था और उसकी जगह इन्होंने बहुत फास्ट एक नया ब्रिज बनाया है ताकि पैसेंजर्स को आसानी हो और वो यहाँ से पूरा स्टेशन क्रॉस करें और जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे चाहेंगे वो लोग उतर जाएंगे। तो अच्छा ब्रिज बना है लेकिन इसमें भी सीढ़ियाँ हैं और जो DRM साहब ने हमें बताया कि ऐसे मरीज जो व्हीलचेयर पे होंगे या बहुत बूढ़े मरीज होंगे, बूढ़े इंसान होंगे, उनके लिए लिफ्ट का प्रोविज़न किया गया है। कुछ दिन बाद वो लिफ्ट भी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे लोगों को आसानी हो जाएगी और हम सब यही चाहते हैं कि आम पैसेंजर्स को आसानियाँ हो। आपने कुछ सुझाव दिए हैं? देखिए, हमने तो लिफ्ट का ही सुझाव दिया है। एस्केलेटर बनने में तो टाइम लगेगा क्योंकि व्हीलचेयर वाले को परेशानी आ सकती है और बूढ़े लोगों को आ सकती है। कार्यक्रम में पहुंचे महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि पूरे भारत के साथ साथ मुरादाबाद शहर विकास की ओर आगे बढ़ा है और उसमें रेलवे प्रशासन भी अपना बेहतर प्रयासों से रेल यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए काम कर रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुरादाबाद शहर बदल रहा है, उसके एक भाग में हमारा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन में मैं देख रहा हूँ लगातार कई वर्षों से कोई ना कोई नया काम हो रहा है। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का विस्तार कहाँ तक हो गया और इस पुल को जो आज जिसका हम लोगों ने आज इसका लोकार्पण किया है, इसकी खासियत यह है कि ये पुल को ऊंचा उठा के जो पुराना पुल था लाइन पार की तरफ से उसको कनेक्टिविटी इक्वल कर दी। इससे क्या है कि एक रूपता आ गई है और उतरने के लिए भी जो स्लोप दिया है उससे भी एक स्पेस और बढ़ गया। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन बदल रहा है, भारतीय रेल बदल रही है और हम सब भी नए नए मुरादाबाद में नहीं पूरे भारतवर्ष में रेलवे के कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने कहा कि इस पुल की शुरुआत कर दी गई है जिससे यात्रियों को काफी मदद पहुंचेगी। पहले की फुटओवर ब्रिज जर्जर हालत में था और इसे दोबारा नई तरीके से बनाने का कार्य किया गया है। कई करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी है। प्रयास यही है कि और बेहतर सुविधाएं दी जाएं जिससे यात्रियों को और सुविधाएं देने के लिए हम काम करें। इसकी लागत करीब 3 करोड़ के आसपास है और इसमें अभी और भी जो काम होने हैं वो बाकी है। जैसा माननीय सांसद महोदय और मेयर साहब ने भी बताया कि ये सीढ़ी से बना हुआ FOB है जिसको हम लोगों ने जल्दी तैयार करके दिया है और इसके बाद इसमें इसी छोर पे लिफ्ट और एस्केलेटर ये दोनों एक के बाद एक हम लोग लगाने के लिए काम शुरू करने वाले हैं ताकि जो लोग वृद्ध हैं या बीमार हैं, जिनको व्हीलचेयर से बाउंड हैं या दिव्यांगजन हैं, इन सब के लिए भी जाने की सुविधा उसी प्रकार दिल्ली एंड पे भी मिले जैसी हम बरेली छोर पे स्टेशन के ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये एक बड़े लंबे समय से फंसा हुआ मामला था क्योंकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 2 नंबर प्लेटफॉर्म, ये दोनों प्लेटफॉर्म और उनके बीच की 2 लाइनें इस स्टेशन की सबसे बिजी लाइनें हैं
और इस पे हम आवागमन रोक करके और किस प्रकार से इसको बना पाएँ, इसकी एक समस्या थी। वो जल्दी ये हो नहीं पा रहा था और पुराना जो पुल था वो करीब करीब 36 मीटर लंबा था, जिसको उतार करके और रखने की जगह नहीं थी, तो ये सारी समस्याएं और प्लस OHE के तारों का एक बड़ा जाल इसके नीचे है, तो ये सारी समस्याएं सुलझाने में रेलवे को थोड़ा समय लगा, लेकिन समय होने के बाद भी अब समय पूरा हुआ और हम लोगों का जो ये लंबा प्रतीक्षित ओवर FOB था वो आज बन के तैयार हुआ। और मैं इस अवसर पर इसलिए माननीय सांसद महोदय, हमारे विधायक जी, हमारे MLC साहब और मेयर साहब, इन सब चार लोगों के सहयोग से आज यह इसका लोकार्पण हो पाया है।